10 ऐसी वेबसाइट बड़े काम की जिनके बारे में ना आपने सुनी होगी ना देखी होगी और ना आपको पता होगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है और जान के ये चीज जरूर बोलोगे आप, मजा आया। और आपको तो पता है अभी मैं ये वेबसाइट्स लाता हूँ ये कोई फालतू वेबसाइट्स नहीं होती, काम की होती हैं। सही कहा ना मैंने? सही बात है। नंबर वन, जब आपको प्यार में धोखा मिलता है क्या करते हैं आप? ये करते हैं ना ना ना, आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको यूज करना है। आपको पता है आजकल फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज तो लोग खूब दबा के करते हैं, उन्हें यही नहीं पता रहता कि अगर हमें यहाँ की मसल्स बढ़ानी है कौन सा एक्सरसाइज करना है, ट्राइस चेस्ट बनाना है इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो फिटनेस फ्रीक और जिम लवर के लिए ये वेबसाइट बड़ा ही यूजफुल है। वेबसाइट का नाम है musclewiki.com। इस पे जाओ, अब यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करो, मेल। यहाँ देखो ये पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर आपको शो करके दिखा देगा। फॉर एग्जांपल आपको चेस्ट बनाना है, चेस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखो चेस्ट के लिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, ये वेबसाइट आपको सब कुछ बता देगा। तो सिक्स पैक बनाना है, इस पे क्लिक कर लीजिए और ये सिक्स पैक की सारी एक्सरसाइज आपको बता दे। हो जाओ फिर शुरू, 6 महीने के अंदर मेरे को आपकी सिक्स पैक चाहिए और फोटो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना @manusaru पे। ए बाबा, ये तो बहुत कम टाइम है, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे। वेबसाइट नंबर 2, ये उससे भी ऑसम है। मान लो ये एक इमेज है और इसमें कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, आपको उस इमेज में लिखे हुए टेक्स्ट को एक्चुअल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है और उसमें कुछ एडिट्स करने हैं, चेंजेस करने हैं। इज इट पॉसिबल? अब मनोज सरू को फॉलो करते हैं, इट इज पॉसिबल। मान लो ये एक इमेज है, इस इमेज में जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसे आपको कन्वर्ट करना है एक्चुअल टेक्स्ट में। तो गूगल पे जाओ, सर्च करो i2ocr.com भी वेबसाइट है और इस पे क्लिक करो। स्टेप 1 में लैंग्वेज सेलेक्ट करो जो भी टेक्स्ट में लिखा हुआ है। स्टेप 2 में इमेज सेलेक्ट करो, इमेज सेलेक्ट हो गई। स्टेप 3 में एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करो, बूम, और देखो वो सारे टेक्स्ट आपको एक्चुअली में यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो भाई साहब, और इसे आप एक्चुअली में यहाँ पर आके कॉपी भी कर सकते हो, वो भी फ्री में, है ना यूजफुल। लाइक तो बनता है इसी बात पर। हाँ, आपके सामने वो रेड कलर का बटन है, है। क्या बात है, बस यही करना था। वेबसाइट नंबर 3, ऑनलाइन शॉपिंग तो करते ही होंगे, ऑफ कोर्स करते होंगे। भैया आपके लिए एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप किसी भी प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस ट्रैक कर सकते हैं, पास्ट में उसकी क्या प्राइस थी, अभी क्या प्राइस है और कब इसकी प्राइस ऊपर नीचे, सब चेक कर सकते हैं। तो मान लो आपको ये फोन बाय करना है फ्लिपकार्ट पे, यहाँ पर जाओ लिंक शेयर पे, कॉपी लिंक पे क्लिक करो, अपने मोबाइल के ब्राउजर में जाओ, टाइप करो pricehistory.in, ये वेबसाइट आ जाएगा। जो लिंक आपने कॉपी किया है उसे पेस्ट कर देना एंड ट्रैक प्राइस पे क्लिक करना, आपको उस प्रोडक्ट की प्राइस हिस्ट्री बता देगा। देखो पहले इसकी जो प्राइस थी लोएस्ट 8999 गई है और हाईएस्ट इसकी प्राइस गई है 9499। इसी तरह आप किसी भी शॉपिंग वेबसाइट Amazon, Myntra, Fintra, जितने भी शॉपिंग वेबसाइट है की प्राइस हिस्ट्री यहाँ पे आके ट्रैक कर सकते हो। वेबसाइट नंबर 4, ये वेबसाइट स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ने वाले प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ऑफिस प्रेजेंटेशन बनानी है, मतलब कभी भी काम आ सकती है। वेबसाइट का नाम है cleanpng.com। इस वेबसाइट में आके आपको यहाँ पर हजारों लाखों ट्रांसपेरेंट PNG इमेजेस मिल जाएंगे। एग्जांपल आपको लैपटॉप की एक PNG इमेज चाहिए तो लैपटॉप सर्च टाइप, ये आपको लैपटॉप की इमेज दे देगा वो भी विदाउट बैकग्राउंड, और यहाँ से जाके फ्री में से डाउनलोड कर लो। ऐसी आप फ्री में यूज कर सकते हो सिर्फ पर्सनल यूज के लिए। वेबसाइट नंबर 5, वाओ, इस वेबसाइट के बारे में जान के आप ये जरूर बोलोगे वाओ। आपको जानना है कि चीजें कैसे काम करती है स्टेप बाय स्टेप। गूगल पे आओ, सर्च करो animagraphs.com, ओपन करो और यहाँ पर आके आप चेक कर सकते हैं कि चीजें कैसे काम करती है। आपको बहुत सारी यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी विद 3D इमेज के साथ। आपको जानना है गाड़ी में एयरबैग्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं, यहाँ पर देखो आपको मिल जाएगा हाउ एयरबैग्स वर्क, क्लिक करो। यहाँ पर आपको 360 डिग्री व्यू मिल जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा कि ये किस तरह से काम करते हैं। देखो ऐसे ही यहाँ पर और भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। वेबसाइट नंबर 6, ओह ये तो 5 हो गई, 6, ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए। आपको पता है पिछले 2-3 सालों में वायरस ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, सेम इसी तरह अगर हमारे सिस्टम में भी वायरस आ जाए, मेरा मतलब है कंप्यूटर लैपटॉप, तो हमारे सिस्टम की ये जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अब सिस्टम में वायरस कैसे आता है? आप इंटरनेट से कुछ फाइल डाउनलोड करते हो, कोई वेबसाइट विजिट करते हो, कहां से वायरस आ जाता है? सवाल यहां उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा जो हम डाउनलोड कर रहे हैं, वेबसाइट हम विजिट कर रहे हैं, वायरस है या फिर नहीं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो वेबसाइट का नाम है virustotal.com। यहाँ पर आओ, फाइल पे क्लिक करो, उस फाइल पे क्लिक करो, फाइल अपलोड करो, ये आपको बता देगा उसमें वायरस है या फिर नहीं। अगर आपको वेबसाइट चेक करना है URL पे आओ। नंबर 7, ये कूल है, गूगल पे जाओ, सर्च करो फ्लैग वेवर, सबसे पहले लिंक पे क्लिक करो। अब आप देख रहे हो जो फ्लैग है, यहाँ पर आप कोई भी इमेज सेट कर सकते हो, फाइल पे जा सकते हो और यहाँ से वो फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। ये वाला इमेज सिलेक्ट कर देता हूँ, तो देखिए फ्लैग में ये जो इमेज है वो आ जाएगा और यहाँ पर आके आप फ्लैग के टाइप ओरिएंटेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो, है ना कूल, मजा आया ना? मजा आया। नेक्स्ट, ये उससे भी कूल है, नंबर 8, लेकिन आपके लिए नहीं है, मतलब बच्चों के लिए है, इसे आप भी यूज कर सकते हो। वेबसाइट का नाम है autodraw.com। अब देखो इसका मैजिक, अगर आपको ड्राइंग बनाना पसंद है यहाँ पर आके ये ऑटो ड्रॉ ऑप्शन सिलेक्ट करना, मजनू भाई के जैसे पेंटिंग बनाओ। अब देखो ये AI की मदद से यहाँ पर ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे बूम, देखो घर बन जाएगा, ये एक गोल और ये एक गोल,
फिर उसके बाद मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, बदल गया। देखो इस इमेज से रिलेटेड चीजें ये यहाँ पे सजेस्ट कर देगा, और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे देखो बन गया ना चश्मा। नंबर 9, अगर आप बहुत ज्यादा देखते हो मूवीज वीडियोस वेब सीरीज तो ये वेबसाइट आपके लिए है। आपको पता करना है कि कोई मूवी है कोई वेब सीरीज है वो आप कहाँ पे किस वक्त कब देख सकते हो, फ्री में देख सकते हो या पेड है, फ्री में कहाँ कहाँ अवेलेबल, सब बता देगा। गूगल पे जाके सर्च करो जस्ट वॉच, ये जो पहली लिंक है इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पर आके सर्च करो, जैसे कि आपको शार्क टैंक इंडिया देखना है क्लिक करा, देखो यहाँ पर नीचे आके आप देख सकते हो ये कहाँ देख सकते हो, फ्री में देखना है तो ये कहाँ पे अवेलेबल है, देखो है ना मजेदार। नंबर 10, ये तो बहुत यूजफुल है। एक बार क्या होता है पीडीएफ में हमें कुछ एडिट करना होता है, उसे कन्वर्ट करना होता है, या फिर हमें कोई प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है, उसमें सिग्नेचर्स डालने होते हैं, तो ये सारी चीजें फ्री में कैसी होंगी यार। सो गूगल में जाओ सर्च करो पीडीएफ कैंडी, ये इस लिंक पे क्लिक करो। अब यहाँ पर आके देखो आप कंप्रेस कर सकते हो मर्ज कर सकते हो पीडीएफ को वर्ड में वर्ड को पीडीएफ में पीडीएफ टू ओसीआर पीडीएफ पे साइन करना है, मतलब पीडीएफ से रिलेटेड सारे काम कर सकते हो वो भी एकदम फ्री। वाओ क्यों डाला ना, बाकी दबा दो यार लाइक बटन, वीडियो शेयर कर दो, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड स्टे सेफ।